याद होगा तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टैंड को रोकने के लिए इसके आगे थार डाली थी, हेलीकॉप्टर डाले थे और यहाँ तक कि टैंक भी डाले थे, लेकिन फिर भी ये ट्रेन किसी के भी रोकने से नहीं रुकी थी। और उस वीडियो में आप लोग बोल रहे थे कि इस ट्रेन को फोर्सफुली रोकना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप लोगों को पता होगा तो हाल ही में इंडियन बैकग्राउंड 3D का न्यू अपडेट आया था, जिससे हम लोग मतलब जिस अपडेट से हम लोग गेम के अंदर मोडिंग कर सकते हैं, मतलब थोड़ी बहुत सस्ती मोडिंग कर सकते हैं। तो मोडिंग करके हम लोग यहाँ पे स्पॉन करने वाले हैं जिंदा बिल्डिंग। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, इस ट्रेन की पटरी के बीचों बीच हम लोग बिल्डिंग, कंटेनर, रैंप वगैरह डाल देंगे, क्योंकि थार और हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि टैंक उड़ाना भी फिर भी नॉर्मल हो सकता था ट्रेन के लिए, लेकिन एक बिल्डिंग को उड़ाना मेरे ख्याल से तो ये वाली चीज ये ट्रेन नहीं कर सकती। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग डालने वाले हैं ट्रेन की पटरी के आगे एक बहुत बड़ा सा रैंप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ट्रेन की पटरी के बिल्कुल बीचों बीच डाल दिया है एक बहुत बड़ा रैंप। अगर ट्रेन इस रैंप के ऊपर चढ़ जाती है ना तो भाई ट्रेन को तो डेफिनेटली रुकना ही पड़ेगा। बाकी यार सबसे पहले देख लेते हैं क्या रैंप बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे आया भी है या फिर ट्रेन भाई इसके साइड से ही चली जाए। मतलब मेरे को कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, डेफिनेटली इस बार तो ट्रेन रुकनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रैंप को रुको भाई थोड़ा सा ना यहाँ पे रखते हैं ताकि ट्रेन के वेट से कहीं ये रैंप ही उल्टा ना हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने रैंप को सेट कर दिया है मेरे ख्याल से, तो डेफिनेटली इस पे चढ़ने के बाद ट्रेन को रुकना ही पड़ेगा। तो अभी टाइम है ट्रेन को स्टार्ट करने का, तो चलो भाई चलते हैं, सबसे पहले ट्रेन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ ट्रेन के अंदर एंड अभी टाइम है इसको स्टार्ट करने का। तो यहाँ पे मैंने कर दिया ट्रेन को एक्सेलरेट एंड अभी अपनी ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। क्या लगता है भाई ये रैंप इस ट्रेन को रोक पाएगा या फिर नहीं, और कहीं ये रैंप इस ट्रेन के वेट से टूट तो नहीं जाएगा? नीचे कमेंट करके अभी बताओ, क्योंकि देखने के बाद तो कोई भी बता ही देगा। और अबे नहीं, ये क्या, ये क्या भाई, ट्रेन तो इसके बीच में से आ गई। अरे ये क्या हो रहा है? ओके, तो ये रैंप ट्रेन के लिए तो भाई इनविजिबल था मेरे ख्याल से, और ट्रेन इसके आर पार आ गई, जिसको मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा यार। तो ये वाला प्लान तो बहुत गंदे तरीके से फेल हो चुका है, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। ओके, तो रैंप तो ट्रेन के लिए इनविजिबल था, लेकिन शायद ये कंटेनर इनविजिबल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर को डाल दिया है, एक और कंटेनर को यहाँ पे डाल दूंगा, और मेरे ख्याल से ट्रेन इन कंटेनर को धक्का दे सकती है, तो इसलिए थोड़े ज्यादा कंटेनर डालते हैं यहाँ पे। एंड होप सो भाई ये इनविजिबल ना हो ट्रेन के लिए, भाई इनसे ट्रेन टकरानी चाहिए, भले इनको घसीटते हुए ले जाए लेकिन ट्रेन टकरानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कंटेनर तो डाल दिए हैं, लेकिन मेरे को डाउट है कि ट्रेन अगर इनसे आर पार चली गई तो भाई हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए मैं सामने की तरफ एक बिल्डिंग में इंस्टॉल करने वाला हूँ, मतलब ट्रेन के सामने एक बिल्डिंग खड़ी करने वाला हूँ, जिससे टकरा के तो ट्रेन को डेफिनेटली रुकना ही पड़ेगा। तो इसलिए ट्रेन के बिल्कुल सामने हम लोग डाल देते हैं एक बिल्डिंग, V1 लिखते हैं, और यहाँ पे आ चुकी है एक बिल्डिंग। भाई इससे आर पार जाना तो ट्रेन के लिए मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और अगर ये सारी चीजें ट्रेन के लिए इनविजिबल रही तो भाई हमारी पूरी मेहनत कचरा हो जाएगी। बाकी आप लोग देख सकते हो यार मैं काफी बढ़िया सेटअप कर दिया है, यहाँ पे मैंने डाल दिए बहुत सारे कंटेनर, 3-4 कंटेनर ही डाले हैं, बहुत सारे नहीं डाले, क्योंकि पहले देख तो लें भाई कहीं ट्रेन के आर पार चली गई तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और पीछे की तरफ डाल दिया एक बिल्डिंग, अगर ट्रेन रुकनी होगी तो भाई रुकी जाएगी, क्योंकि भाई चाहे जितना मर्जी मजबूत इंजन हो लेकिन बिल्डिंग को तो धक्का नहीं दे सकता। और यहाँ पे मैंने ट्रेन को कर दिया अभी स्टार्ट एंड देखते भाई क्या होता है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेन ने चलना स्टार्ट कर दिया है एंड सामने की तरफ है हमारा पहला कंटेनर, जिससे टकराते ही ट्रेन को रुकना था, लेकिन भाई ट्रेन इनसे भी आर पार चली गई। अभी देखते हैं भाई बिल्डिंग का क्या होता है। लो भाई हो गया सत्यानाश, भाई पूरी की पूरी मेहनत पानी में, ये ट्रेन इनसे भी आर पार जा रही है भाई, मतलब बेकार है भाई, मैं तो टूट गया भाई, दिल से टूट गया मैं तो। और जितना मैंने सोचा था भाई ट्रेन को रोकना उतना भी ज्यादा इजी नहीं है, मेरे को लगा था कि इस अपडेट के बाद तो ट्रेन रुकी जाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाकी आप लोग बताओ क्या हम लोग ट्रेन को रोक भी सकते हैं, कोई ऐसा तरीका हो आपके पास तो कमेंट करके बताओ। बाकी यार फिलहाल के लिए आज भी हम लोग ट्रेन को नहीं रोक पाए हैं और वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।